नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग. इवेल्युएट की मीनिंग होती है सिंप्लीफाई करके वैल्यू फाइंड करना. तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ, जो सेकंड क्वेश्चन है वो सिमिलर है फर्स्ट को, वो खुद से आप कर पाएंगे अगर आप ये देखते हैं. तो साइन 30, कॉस 45 और टेन 80 तीनों को प्लस करना है. सबसे पहले आप वैल्यूज लिख लो, यहाँ पर डायरेक्ट करते नहीं तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है. देखो आपको पता है 1/2 होता है साइन 30, कॉस 45 होता है 1/√2 एंड टेन 180. देखो टेन 180 के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूले में बताया हुआ टेबल करके, टेन 180 का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है. 180 टेन अगर पाई है, ये पाई का मल्टीपल कुछ भी हुआ 180 360 तो उसकी वैल्यू जीरो ही होगी. तो ये प्लस जीरो हट जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल अप्लाई आप करोगे √2 × 1√2 +2 × 1 √2 और अपॉन में 2√2 आ जाएगा इस तरह से. तो ये इसका आंसर आ गया. ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई अगर आपको करना है तो आप ऐसे करोगे, ऊपर से √2 आप कॉमन ले लेते हो यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा √2 कॉमन तो 1, और 2 में से √2 कॉमन आए तो √2, बिकॉज 2 जो होता है दैट इज इक्वल टू √2 √2 होता है. तो 2 से अगर 2 से √2 कॉमन आए तो एक √2 रह गया और नीचे आ गया 2√2, √2 √2 कैंसिल, तो हमें आंसर मिल गया 1 + √2/2. ये हमें इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू मिल गया. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखते क्या होगा इसके अंदर. साइन 30 फिर से आप देखोगे हाफ होता है, यही चीज़ें हैं यहाँ पर. कॉस 45 है, कॉस 45 1/√2 होता है, इन टू है मल्टीप्लाई, यहाँ पर टेन 360 जीरो होता है. अब यहाँ पर आप जानते हैं सबके बीच में मल्टीप्लाई है, जीरो आ गया, जीरो का मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे सब जीरो हो जाएगा. जीरो इंटू दिस जीरो एंड जीरो इंटू दिस जीरो, तो आंसर आ गया जीरो. इवेल्युएट करना था, वैल्यू फाइंड करना था, हो गया है. सेकेंड क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले के जैसे आप खुद से करिए. करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन हुज टर्मिनल हम पासेस थ्रू 3, -4. इसकी मीनिंग क्या है, यहाँ पर मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. अगर आपके पास कोई भी एक कार्टेशियन सिस्टम है, एक्स एंड वाई एक्सिस है, उसके अंदर एक पॉइंट है 3, -4. यहाँ से आप देखेंगे ये 3 जो है ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू प्लस माइनस, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ में होता है. तो यहाँ पर एक कोई पॉइंट है 3, -4, इस तरह से पॉइंट है. इसको अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस तरह से, और यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये, तो ये वैल्यू आर होगी. यहाँ पर ये 3 है, 3 यहाँ से देखेंगे तो ये x की वैल्यू 3 है, मतलब ये 3 है, और ये जो y की वैल्यू है ये -4 होगी. तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है 3 वो x की वैल्यू होती है, मतलब ये होता है, और ये -4 ये y की वैल्यू होती है. इस तरह से ये पॉइंट P है समझो, ये O और ये A ऐसा कंसिडर कर सकते हो, ऐसा मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था. यहाँ पर अगर हम देखते हैं सॉल्यूशन हम करेंगे तो ये जो पॉइंट है 3, -4, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं x, y. कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू इक्वल हो जाती है 3 को, और y की जो वैल्यू इक्वल हो जाती है -4 को. तो आपको मैंने यहाँ पर फॉर्मूला दिया था फॉर्मूले वाले लेक्चर पे, कि जिसमें मैंने सारे फॉर्मूले बताए थे कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होता है आर होता है, और ये एंगल को हम थीटा कंसिडर करते हैं. आर की जो वैल्यू होती है वो होती है √x² + y², यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूला आया था. आर इज इक्वल टू √x² y², यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू आप रखते हो 3² और वाई की वैल्यू -4², तो ये आपको मिल जाता है √9 + 16, दैट इज √25, और आर की वैल्यू 25 का square root फाइनली 5 आता है. यहाँ पर जो 25 का square root, कभी भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस दोनों आता है, बट यहाँ आर की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो ओनली पॉजिटिव वैल्यू को आपको कंसिडर करना है. आर इज गुड टू 5, बिकॉज आर क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, इसलिए जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव लेना है. आर इज गुड टू 5, आर आ गया, एक्स और वाई हमें पता है. फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल, यानी कि हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब कुछ पता करना है. तो साइन थीटा के लिए आपको मैंने फॉर्मूला दिया था, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, एंड दैट इज वाई -4 एंड आर 5. कॉस थीटा का फॉर्मूला था एक्स अपॉन आर, तो एक्स 3 अपॉन आर, आर इज 5. टेन थीटा था वाई अपॉन एक्स, तो वाई अपॉन एक्स -4/3. इसी के साथ आपको आगे साइन है तो कोसेक भी आ गया, कोसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, आर अपॉन वाई इसका उल्टा, तो ये 5 अपॉन -4 है. माइनस को हमेशा न्यूमरेटर में रखना चाहिए. कॉस थीटा से सेक थीटा मिल जाएगा आर अपॉन एक्स 5/3. टेन थीटा से कॉट थीटा हमें मिल गया एक्स अपॉन वाई 3/4, और ये माइनस हमेशा ऊपर ही रखना. तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सारी वैल्यूज आ जाएगी अगर आपने एक्स और वाई के साथ आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. तो आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए जो मैंने आपको सिखाया था. इसको कॉपी करो और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अभी
क्वेश्चन नंबर सेवन, यहाँ देखो कि कॉस थीटा की वैल्यू दी है 12/13 और थीटा जो है पाई बाई टू और जीरो के बीच में, मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, दो अलग अलग क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी करनी है। चलो देखते हैं कैसे करना है सॉल्यूशन। यहाँ पर अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब मुझे फाइंड करना है ये पूरी वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई थी तो साइन थीटा भी पहले फाइंड करना चाहिए। बट कॉस थीटा दिया है, साइन थीटा कैसे फाइंड करेंगे? तो आपके पास आइडेंटिटीज़ है, आपको याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 होती है। इसका यूज़ करेंगे, कॉस की वैल्यू पता है तो साइन की वैल्यू आ जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस की वैल्यू है 12/13, उसका स्क्वायर 12 स्क्वायर इज 144, 169 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 169 माइनस 144 तो ये आ जाएगा 25/169 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर उस तरफ गया तो 25/169 सो वी गॉट साइन थीटा इज इक्वल टू 25 की जो वैल्यू है स्क्वायर रूट की 5 169 का 13, साइन थीटा आ गया 5/13, यहाँ पर कॉस थीटा था 12/13। तो अगर ये जो सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस समय टैन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन अपॉन कॉस करोगे तो टैन आ जाएगा, टैन का स्क्वायर करके रेसिप्रोकल करोगे तो सेकेंड क्वेश्चन आ जाएगा। फिलहाल हम फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कंसीडर फर्स्ट क्वेश्चन दिस, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। साइन स्क्वायर देखो, साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठाओ, साइन थीटा तो है बट साइन स्क्वायर यहाँ है 25/169 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर मतलब ये हो गया 12/13 स्क्वायर, या तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो 5/13 स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो। 2 इंटू साइन थीटा मीन्स 5/13 इंटू कॉस थीटा 12/13, सॉल्व किया जाए 25/169 है यहाँ पर, माइनस 12 स्क्वायर इज 144/169 अपॉन, यहाँ पर देखोगे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है कुछ भी, तो 12 5 62 120 अपॉन नीचे 13 13 तो ये 169 होता है। इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट दोनों का बेस 169 है तो ऊपर 25 से 144 माइनस होगा, उल्टा माइनस करेंगे 144 से 25 तो ये हो जाएगा 911, तो ये आ चुका है 144 से 25 माइनस किए उल्टा तो -119 अपॉन 169 एंड पूरे का अपॉन है 120/169। इसको और सॉल्व करेंगे तो ऐसे होगा -119/169, ये जो डिवीजन है इसको इनटू करते हैं ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस में था तो ये हो जाएगा 169/120, ये कैंसिल आउट हो गया और फाइनल आंसर हमें मिल गया -119/120, ये हमारा आंसर आ गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने फाइंड आउट किया, इसमें सेकंड भी है 1/10 स्क्वायर थीटा, इसके लिए मैंने बताया टैन के लिए आप क्या करो, साइन अपॉन कॉस करेंगे टैन आ जाएगा और उसके बाद उसका स्क्वायर करके रेसिप्रोकल ले लो तो ये वैल्यू आ गई। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें टेबल्स यूज करके इवेल्युएट करना है, जो टेबल्स मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है 4 cot 45 - x² 60 + sin 30, तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर 4 cot 45, देखो tan 45 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है, टेबल यूज़ किया हमने। sec 60 अगर नहीं याद है तो cos 60 को याद करो, cos 60 जो था वो था 1/2, तो sec 60 क्या आ जाएगा उसका रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 यानी 2 उसका स्क्वायर, प्लस sin 30 1/2 होता है। ये आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो, अगर टेबल नहीं याद है तो आप रफ में टेबल बना लो और वहाँ से वैल्यू उठा लो। तो ये हो गया 4 × 1 = 4, -2² = 4 प्लस हाफ, 4 और 4 मिलके 0 हो जाएगा, आंसर आ गया हाफ। इवेल्युएट करना था, वैल्यू आ गई है। सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 8th वाले में इवेल्युएट करना है, कॉस स्क्वायर 0 है, कॉस 0 1 होता है, टेबल आपको याद होगा तो कॉस 30 π/6 मतलब 30, √3/2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है एंड cos 90 0 होता है। अब क्या करो, साइन और कॉस की सिर्फ वैल्यूज़ याद रखो, अगर आपको साइन और कॉस की वैल्यूज़ याद होगी तो आप टैन कॉट से कोसेक भी ऐसे लॉजिक से कर लोगे, सिर्फ साइन कॉस की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 1² 1, √3² 3 अपॉन 2² 4, 1² 1, 2² 4, 0² 0 नहीं लेंगे, 1 प्लस ये दोनों का बेस 4 है
तो बेस फोर ऊपर थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा, कैंसिल होके वन आ गया, सो ये वन प्लस फोर अपन फोर वन था टू, सो वी गॉट द आंसर टू। इस तरह से क्वेश्चन नंबर एट को इवेल्युएट करना है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन जो है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ, क्वेश्चन नंबर नाइन है यहाँ पर, जो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बता रहा हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई फाइव एंड थीटा इज इन बिटवीन 180 एंड 270। फिर से देखो वो याद रखना है क्वाड्रेंट वाला सिस्टम, वन टू थ्री फोर, फोर क्वाड्रेंट्स है, ऑल स्टूडेंट्स थे कॉफी, 0, 90, 180, 270 एंड 360। ये सिस्टम आपको याद रखना है यहाँ पर, थीटा जो है 180 और 270 के बीच में, मतलब थीटा यहाँ पर 180 और 270 के बीच में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखेंगे तो टी टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, अदर्स आर निगेटिव। यहाँ पर बोला है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कॉस दिया है, कॉस को छोड़ के जो बचे हुए बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू फाइंड करो। बट याद रखना ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन की वजह से थीटा थर्ड में, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। यहाँ पर मुझे कॉस पता है, अब बाकी के फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो ट्रायंगल वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको पता था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के हम करेंगे, या तो फिर मैं जैसे बता था वैसे कर सकते हैं, आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो, वी हैव, याद होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो कॉस हमें पता है तो साइन फाइंड करने के लिए कॉस को उस साइड लेके जाते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यू विल गेट वन माइनस कॉस स्क्वायर, मीन्स दिस इज कॉस माइनस थ्री अपॉन फाइव स्क्वायर, वन माइनस माइनस स्क्वायर इज पॉजिटिव, थ्री स्क्वायर नाइन अपॉन 25। सॉल्व करोगे 25 माइनस 9 16 अपॉन 25 आ चुका है, ये साइन स्क्वायर 16 है, साइन थीटा स्क्वायर उस तरफ गया तो स्क्वायर रूट 16 अपॉन 25 क्या आ जाएगा, 4 अपॉन 5। बट ये साइन थीटा है, एज यू नो वेरी वेल दैट थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ओनली टैन एंड कॉट विल बी पॉजिटिव, देयरफॉर यू शुड कीप दिस एज नेगेटिव। यहाँ पर स्क्वायर रूट के बाद ये जो आंसर आएगा वो निगेटिव आएगा, क्यों, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसा लिखना चाहिए, नहीं तो ऐसे होगा ना कि ये माइनस अचानक कहाँ से आ गया, उसका रीज़न साइन हमको मिल गया है, कॉस मिल गया, साइन और कॉस आने के बाद टैन फाइंड कर सकते हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यूजिंग दिस फॉर्मूला साइन थीटा इज माइनस फोर अपॉन फाइव, कॉस थीटा इज माइनस थ्री अपॉन फाइव, फाइव फाइव गेट्स कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, ऑटोमेटिकली यू विल गेट फोर अपॉन थ्री। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, अपने आप टैन पॉजिटिव आ गया। आगे देखते हैं कॉट भी फाइंड करेंगे, कॉट थीटा, टैन थीटा का रेसिप्रोकल लेना होगा, वन अपॉन टैन थीटा, तो ये 4 अपॉन 3 है, उसका रेसिप्रोकल होगा 3 अपॉन 4। इसके बाद देखो साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन कॉट, अब सेक लेते, सेक थीटा कैसे आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, ये जो कॉस था उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या थी, माइनस 3 अपॉन 5, रेसिप्रोकल होगा तो 5 अपॉन 3 माइनस, सेक हो गया। अब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, क्या थी वैल्यू देखो साइन थीटा की, साइन थीटा वॉज माइनस 4 बाय 5, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 4 माइनस। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने कॉस थीटा की वैल्यू सिर्फ पता थी, वो भी माइनस था, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में था, उससे हमने पता लगाया थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे, हमारा टैन का आंसर प्लस में आया और कॉट आंसर प्लस में आया, बाकी सब माइनस में आया है। यहाँ पर जो साइन था वो स्क्वायर रूट लेने के बाद हमको खुद से लेकर करना है, प्लस लेना है कि माइनस, एज पर क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से यहाँ माइनस लिया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ नाइन्थ में, नाइन्थ में और भी थ्री क्वेश्चन है जो सिमिलर तरीके से करना है, वैसे कर सकते हो, इसी क्वेश्चन को अलग मेथड से भी कर सकते हैं। कौन सा मेथड था वो, इस तरह से आप ट्राइंगल करते हो, ये थीटा, कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो इसका एडजेसेंट आप थ्री दिखा सकते हो, हाइपो ये फाइव दिखा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से ये फाइंड करोगे तो ये फोर आ जाएगा, और उसके बाद वापस से अपोजिट अपॉन ये सब करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीके से भी आप कर सकते हो, या ये जो मैंने बताया ऐसे भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से जो ये चैप्टर नंबर टू है, इसके अंदर 2.1 एक्सरसाइज ये फिनिश हुआ है, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन नाइन्थ में और है, वो आप खुद से करो, अगर आपको ये समझ में आएगा तो वो भी आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।